आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको अपने चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंद 999 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो इसके पहले फील्ड में चलते हुए आप वीडियो देख भी चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो इसका कार्य वहाँ उस वीडियो में देख लें और इसका पूरा रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जल्दी से देख के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इन 999 कंबाइन हार्वेस्टर की पूरी जानकारी आज की वीडियो में देंगे, तो वीडियो को स्किप न करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आगे आप में फ्रंट की बात कर लेते हैं मशीन की, तो काफ़ी अच्छा आपको सामने से इसका लुक मिल जाता है। जैसे लाइटें देखेंगे यहाँ पे तो दो ऊपर रूफ में मिल जाती हैं, फिर दो नीचे एक स्टेयरिंग के पास और दो पूरी हेड लाइटें काफ़ी LED लाइट से ये आगे मिल जाती हैं। तो 3, 2, 5, 2, 7 लाइटें इसमें मिल जाती है आपको। आगे वो हॉर्न भी मिल जाता है लाइट के पास में, और एक दूसरा हॉर्न भी दे रखा है यहाँ पर प्रेशर वाला, जो काफ़ी तेज़ साउंड करता है, आपने सुना भी होगा। अब आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक एक चीज़ पर बात करते हुए। सबसे पहले हम फीडर की बात करें। जैसे आपको इसमें ये सिंपल ये फीडर मिल जाता है। पहले क्या होता था, यहाँ पर दो मुठ्ठे आते दोनों साइड, तो कटर को काफ़ी बार ऊपर करो नीचे करो, एक साइड से डलगा दूसरी साइड से रह गया तो काफ़ी टाइम लग जाता था, 10 से 15 मिनट लग जाती, परंतु इसमें सीधा नीचे लगाया और ऊपर उठाया तो जॉइंट हो जाता है, काफ़ी मजबूत भी मिल जाता है ये, और पूरे में डल जाता है जैसे कट वहाँ से लेकर कटर में यहाँ तक है। तो कटर आपको एक बार दिखाएंगे कैसे डलता है उसमें। और ये फीडर 54-51 इंच फीडर मिल जाता है ये, और जैसे चौक हो गई मशीन है तो इसको खोल के आप चौक खोल सकते हैं इसका, और 3 चैन मिलती है ये और डबल पट्टी मिलती हैं। और ये हाइड्रोलिक इसके जैक मिल जाते हैं साइड में, ये मैकेनिकल राड है जिसको स्पोर्ट भी बोल सकते हैं, और ये सैनिक का इसमें गियर बॉक्स मिल दिया गया है। ये 4 गियर में आती है मशीनें, 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स है। अगर आप चाहें तो ये 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स में ले सकते हैं, और इसमें ये ड्रम ब्रेक दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आपको डिश अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाएंगे, अगर डिश लगवाना चाहते हैं तो डिश भी लग जाएंगे। लाइट आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। उसके बाद अपोलो के इसमें टायर दे रखे हैं 18-34 के। अगर आप चाहें तो इसमें आपको C8 के MRF के आपकी इच्छा के अनुसार वही उसी प्रकार के टायर मिल जाएंगे। उसके बाद ये 11 नंबर के बेड वाले ये सॉरी थ्रेसर वाली चापट हो गई, और पीछे असेंबली वाली 7 नंबर की दे रखी हैं सभी, और फैन की हवा को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कम ज़्यादा करनी है। तो किसी फसल में अलग अलग फसलों में जैसे हल्की भारी फसल हो जाती है, दाना अनाज हो जाता है, उसके लिए कम ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जैसे 7 नंबर के बैरिंग दे रखे हैं आपको बता चुके, ये 5 इसमें ब्लेड मिल जाती है फैन में आपके लिए, और ZBL की दे रखी है ये हाइलो का हो गया जैसे मशीन की स्पीड हाइड्रोलिक है। और ये सभी बेल्टों के साइज हो गए, ऊपर साइज हो गए जैसे, और नीचे ये भी दे रखा है कहाँ पर कौन सा बेल्ट लगता है, यहाँ पे दर्शाया भी गया है। आपको डबल बैटरी बॉक्स मिल जाती है, और यहाँ पर अर्थ काटने है बोलते हैं जो फ्यूज है यहाँ पे दे रखा है वो, इसमें ये टूल बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर, ऊपर भी कुछ सामान रखने है जैसे गुटकी रखनी है, पिप्पी रखनी है, कुछ भी सामान ऊपर भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये 7 नंबर की क्रैंक मिल जाती है इसमें आपको, और पीछे की लाइट आप देख सकते हैं कितनी शानदार दे रखी है LED, और पीछे के भी आपको इसमें C8 के टायर मिलते हैं 916 के, और यहाँ पर आप SMS लगवा सकते हैं अगर आपकी इच्छा के अनुसार, अगर आप SMS लगवाना चाहते हैं तो SMS भी लग जाएगा। और पीछे भी लाइट मिल जाती है जैसे पूंछ में, और हिंद का पीछे लोगो है, और जो साइलेंसर वो पीछे की तरफ लाके तो वहाँ पर निकाल रखा है। और अब आपको एक बार C4 दिखा देता हूँ, इसकी सफाई तो आपने देख ली होगी उस वीडियो में। ये इसकी शेप है, पूरी बड़ी शेप है, इनको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इस साइड करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और इस साइड करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। और 5 टावाकर दे रखे हैं इसमें वुडन की फिनिशिंग के साथ हैं, यहाँ से आप इनके गुरी से या तेल जो लगा करना है वो कर सकते हैं। और इसके पीछे का ये हाइड्रोलिक देख सकते हैं कटाई वाला, काफ़ी मजबूत मिल जाता है, पूरा हैवी दे रखा है।
और यहाँ पर पीछे बैक ट्विटर मिल जाता है। जैसे पीछे कर रहा है मशीन बैक गियर में है तो ये साउंड करेगा जैसे पीछे कोई भी है वो हट जाए। और 350 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक डीजल टैंक मिल जाता है ये, और ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी मिल जाती है। ये इस साइड के हो गए। और ये एयर टैंक है, जैसे हवा भरनी है मशीन पर हवा मारनी है उनके लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। और ये एलिवेटर आ गए अपनी साइड है, और असेंबली आप देख सकते हैं पूरी हैवी और अच्छी इसमें मिल जाती है सभी पार्ट्स। ये एडल दे रखे हैं बल्टों को, जैसे जब भी लूज़ हो जाता है, जैसे नया बल्ट होता है वो बाद में बढ़ जाता है, तो बाद में इसको एडल से आप टाइट रख सकते हैं। और ये थ्रेसर वाला हो गया, यहाँ पर लाइट दे रखी है, हर पार्ट पर लाइट मिल जाती है जैसे आप देखते हैं तो। और ये फैन हो गया, जैसे ड्राइवर को दूर कर दे बचाने के लिए। तो ये थी बाहर की, और नीचे की एक बार ऊपर इंजन और दिखा देता हूँ आपको। अगर इसकी गारंटी व वारंटी बात करें तो आपको एक सीजन की इसमें गारंटी मिलती है, जैसे कोई भी पार्ट इसमें चेंज होता है तो वो चेंज करके देंगे, अगर रिपेयर होता है तो रिपेयर करके देंगे। इस पर आप 60% तक लोन भी करवा सकते हैं, अगर आप लोन करवाना चाहें तो 60% तक इस मशीन पर लोन भी हो जाएगा। अब बात आ जाती है जैसे ऊपर जाने के लिए ए सी डी दे रखी है, तो इस में आगे पैर टच नहीं हो टायर के, जैसे प्लेट दे दी तो आप आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे पानी या कैंपर रखना है उसके लिए टूल बॉक्स से दो दे रखी है, इसमें एक ही साइड है और एक उस साइड है, और ऊपर रूफ में छतरी में मिल जाता है जैसे कोई सामान इस टाइप का रखना है तो। और ये हो गया फ्लैट का, जैसे स्टार्टिंग में चलाते हैं हमें तो फ्लैट का ये करना शुरू कर देता है, फिर बास्केट का, फिर कटर का, फिर ऑगर है। और ये सीट हो गई, और ये गियर है, जैसे बैक आगे पहला पीछे दूसरा आगे तीसरा पीछे, ये रेस हो गई। और आप अगर चार गियर में लेना चाहते हैं तो आपको चार गियर में मिल जाएगी, पांच गियर में, चार फॉरवर्ड और एक रिवर्स में भी। ये हो गया रील का, ये कटर का, और ये आइलो का, ये तीनों लीवर यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये स्विच हो गए, ये फ्यूज हो गए, यहाँ से मशीन बंद हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है। और ये मिरर दे रखा है, जैसे आपको अनाज टैंक में देखना है तो ये हेल्पर सीट इस साइड मिल जाती है, दोनों ही साइड आपको मिरर मिल जाते हैं, एक बीच में मिल जाता है। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा कर देती है कंपनी, अभी इसमें लगाया नहीं है, आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। तो यहाँ पर आप बैठेंगे जैसे कम्फर्ट है, तो काफ़ी खुला दे रखा है ये अपना बीच में गैप है, तो आपके पैर भी बिल्कुल टच नहीं होंगे जैसे। तो ये कल्च हो गया, ब्रेक सिंगल में दे रखा है, सिंगल पैडल में तो सही रहता है सिंगल वाला। और यहाँ से जैसे ऊपर जाना है तो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे यहाँ से आप आसानी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और 18 से 20 क्विंटल का इसमें आपको ग्रेन टैंक मिल जाता है, और 101 HP का इंजन मिलता है, और ये एयर क्लीनर हो गया, रेडिएटर हो गया उस साइड है, और यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है, और पीछे टूल बॉक्स मिल जाता है, नीचे स्टाव वॉकर में जाने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ऊपर दे रखी हैं, तो पूरी खुली मशीन है और काफ़ी अच्छी तरह से इसमें सभी पार्ट मिलते हैं। तो आपको ये मशीन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इसके कटर की बात कर ले तो स्टार्टिंग में ये आपको 14 फीट का कटर मिल जाता है, पूरी जो चौड़ाई है अंदर की ये 14 फीट है, 14 फीट काटते हुए इसको चलेगा। और इसमें आप एंटाइनों की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दे रखी है, और फिंगर ब्लेड मिल जाती है यहाँ पर आपको, एक एक्स्ट्रा सीट भी, ये स्टिप भी मिलती है साथ में एक्स्ट्रा, और एक पूरा बड़ा इसमें ये ऑगर मिल जाता है फ्रंट है, जो आधे जो फसल है उसको यहीं पर तोड़ दे अंदर मशीन को कमज़ोर पड़े। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें इसमें, ये मोटर दे रखी है जो कटर इसको चलाती है ऑपरेटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप ग्रीस पॉइंट भी दे रखे हैं, ग्रीस भी कर सकते हैं इसमें, बैरिंग अंदर दो डबल है, एक बार दिखाया भी था एक वीडियो में। तो ये मोटर दे रखी है इसमें इसको चलाने के लिए, और इसके ऊपर पूरा कवर दे रखा है जैसे धूल गर्दे मिट्टी से बचा रही है। एक बार आपको इसको खोल के भी दिखा दूँ, इस प्रकार से आता है ये, इसके ऊपर बल्ट चली जाती है वहाँ से सीधी, और यहाँ तक बल्ट आ जाती है जैसे हैंडल के थ्रू, इसको कम टाइट लूज भी कर सकते हैं। और इसकी रील की बात करेंगे, जैसे हाइड्रोलिक अप डाउन दे रखी है इसमें, यहाँ पर ये दे रखे तो ऑटोमेटिक, जैसे लीवर दिखाया तो मशीन में उससे ऊपर नीचे हो जाती है, और इसमें आपको ये
पांच मिलती हैं, ये पांच पाइपें मिलती हैं रील वाली, और चार ये पल्ले दे रखे हैं। पूरी बड़ी रील है, बड़ी फसल के भी आप कटाई आसानी से कर सकते हैं। और अब इसका जॉइंट होने का और दिखा देता हूँ आपको, जैसे इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इन बल्टों से, इस इनको बदल के, और इसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं रील की को। और यहाँ से जॉइंट होता है जैसे दिखाया था, कटर सीधा डल जाता है इसके अंदर फिड रहे, और ये कटर जॉइंट हो जाता है इसमें, तो आसानी से जोड़ सकते हैं इसको, और मजबूत भी रहता है, काफ़ी हैवी रहता है, क्योंकि पूरा एक जोड़ बन जाता है इसका यहाँ से लेकर वहाँ तक है, और यहाँ से जॉइंट हो जाता है सीधा। और जो मशीन में पीछे के टायर मिलते हैं वो इसमें दे रखे हैं, एक साइज के दोनों इनो 16 के, जैसे ट्रेलर के टायर तो कम घसते हैं परंतु मशीन के जाके जाते हैं, तो 5-7 साल के बाद आप ये उसमें लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको ये अभी नट लगा रखा है, इसमें दूसरी वो स्टिप मिलेगी आपको, तो रख भी सकते हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा रखनी है तो इसमें डाल के रख भी सकते हैं। और यहाँ से ऑगर की जैसे हाइट एडजस्ट हो जाती है, ऊपर नीचे करनी है कुछ है, तो यहाँ से हो जाएगी वो। आशा करता हूँ मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर और कोई जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कटर के बारे में, मशीन के बारे में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू।